हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पीटू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पैराडाइज कंप्यूटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल के रिंगटोन को लेकर। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि आपके मोबाइल के रिंगटोन जो है उसकी वॉल्यूम जो है बहुत ही कम है, या आपके रिंगटोन जो है कुछ ऐसे है जिससे आप बोर हो चुके, सुनने का मन नहीं करता उस तरह का रिंगटोन आपको। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रिंगटोन लेकर आया हूँ, कुछ एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसका साइज 2 से 3 MB एप्लीकेशन का साइज है, और उस जो इंडिया का ही मेड है, मतलब जो चाइना का मेड नहीं है, किसी और देश का है लेकिन चाइना का मेड नहीं है। बहुत ही काम की एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन में जब रिंगटोन यूज करते हैं दोस्तों, तो ये रिंगटोन सुनकर दोस्तों सामने वाला चौक खड़ा हो जाएगा कि भाई कैसा रिंगटोन तुमने कहां से लाया और इतना आवाज कैसे है तुम्हारे रिंगटोन में, ये सब पूछने लगेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला और दोस्तों रिंगटोन बजाकर मैं आपको सुनाने वाला भी हूं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना है, इस वीडियो को शुरुआत करने से छोटा सा पहले काम करना है। काम ये करना है कि आपको इस वीडियो का लाइक कर देना है। वीडियो का लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में आना है और उसमें नाइस रिंगटोन लिख के आपको सेंड कर देना है। तो चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये एप्लीकेशन जो दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर में एक एप्लीकेशन नजर आ रहा है जिसका नाम है सुपर लाउड टॉप रिंगटोन। ये 2 से 3 MB का एप्लीकेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। अब इसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ ओपन हम करेंगे तो कुछ समय लगेगा और इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ इंटरफेस नजर आता है जिसमें बहुत सारे रिंगटोन आपको देखने को मिलेंगे, तो जिसमें से मुझे कुछ जो सबसे ज्यादा अच्छा रिंगटोन लगा, तो चलिए मैं आपको वो रिंगटोन सुना के दिखाता हूँ। जैसे सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे यहाँ से इस पर क्लिक कर, देखा आपने कितना बढ़िया रिंगटोन है। मुझे उसके बाद एक और रिंगटोन अच्छा लगा, मैं वो भी सुना के दिखाता हूँ। जैसा कि आप देखें इस तरह का रिंगटोन, इस रिंगटोन की जो आवाज होगी आपके मोबाइल की जो वॉल्यूम है उससे 2 गुना 3 गुना आवाज उस रिंगटोन में होगा दोस्तों। तो इसको यूज कर सकते हैं आप, चाहे इस रिंगटोन का जो यूज है आप चाहे किसी पार्टिकुलर कॉन्टेक्ट के लिए कर सकते हैं, या इनकमिंग कॉल के लिए कर सकते हैं, या अलार्म के लिए यूज कर सकते हैं, या सभी चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो भी रिंगटोन चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है किस किस जो रिंगटोन मैंने फर्स्ट बजाया, यहाँ साइड में आपको 3 डॉट दिख रहा है, उस 3 डॉट पे आपको आ जाना है। 3 डॉट पे आना है तो यहाँ पे देख रहे ऑप्शन दिख रहा है शेयर और फेवरेटिस, ये दोनों काम आपको नहीं करना है। करना क्या है कि सिंपली से रिंगटोन पे आपको क्लिक कर देना है। रिंगटोन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जैसे मैं पहले फिर से बजा कर दिखा देता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि ये रिंगटोन बजा है। ये इस रिंगटोन को यूज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट में हम चाहते हैं इनकमिंग कॉल के लिए, तो आप फोन के डायलर का साइन है तो सिंपली आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका फोन डायलर पे सेट हो जाएगा। तो चलिए हम इस पे हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ अलाउ मांग रहा है, यहाँ अलाउ आपको कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ रिंगटोन ओके आ गया है, यानी कि आपका जब भी कॉल आएगा तो ये रिंगटोन बजेगा। दूसरा ऑप्शन आता है ये जो है आपका, यहाँ पर आते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए हो गया, और नोटिफिकेशन में आप चाहते हैं ये रिंगटोन तो नोटिफिकेशन में ये रिंगटोन बजेगा। तीसरा है कॉन्टैक्ट, ये है कॉन्टैक्ट में अलाउ करते हैं तो आप जिस पार्टिकुलर कॉन्टैक्ट का चाहते हैं कि इस कॉन्टैक्ट पे ये रिंगटोन आना चाहिए, इस रिंगटोन पे ये रिंगटोन आना चाहिए इस कॉन्टैक्ट पे, तो इस तरह का रिंगटोन आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये रिंगटोन एक बार ले लेता हूँ, ये जो हो गया इस कॉन्टैक्ट पे ये रिंगटोन हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं ये अलार्म है, यहाँ पे अलार्म के लिए भी आप यूज कर सकते हैं किसी भी रिंगटोन को, तो यहाँ से आप सारे रिंगटोन को आप यूज कर सकते हैं। बस इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी रिंगटोन को आप अप्लाई करते हैं उसमें सिर्फ आपका मोबाइल डाटा जो है ऑन होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही।